शिमला जिला के रामपुर के समीप महात्मा गांधी मेडिकल सर्विस कॉम्प्लेक्स में भी कोविड टेस्टिंग सुविधा जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से लाखों रुपए की टेस्टिंग मशीन चिकित्सा परिसर पहुंचा दी गई है। इसे फिट करते ही अगले हफ्ते से यह संयंत्र काम करना शुरू कर देगा। अब तक समूचे ऊपरी क्षेत्र से कोरोना जांच के लिए IGM से शिमला सैंपल भेजे जाते थे, इससे 2 दिन का समय लग रहा था। अब इस मशीन को खनेरी चिकित्सा सेवा परिसर में स्थापित करने से शिमला जिले के रामपुर और कुमारसैन उपमंडल, कुल्लू का आनी उपमंडल तथा मंडी जिले के करसोग का ऊपरी क्षेत्र लाभान्वित होगा। खनेरी चिकित्सा सेवा परिसर प्रबंध ने बताया कि सरकार प्रदेश में 14 स्वास्थ्य संस्थानों को कोरोना जांच मशीनें उपलब्ध करवा रही है ताकि इसका लाभ दूरदराज तक हो। डॉक्टर NK मेहता, चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पहले मरीजों के नमूने IGMC शिमला भेजे जाते थे, इसमें कम से कम 2 दिन का समय लग रहा था। अब सरकार ने महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर को भी कोविड जांच मशीन उपलब्ध करवा दी है, जिसे जल्द से जल्द फिट कर कोरोना जांच रामपुर में ही होगी। कोविड-19 की पेंडेमिक अभी भी फैल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है हम जो है उनकी सैंपलिंग करके IGMC के लिए पेशेंट के सैंपल्स को भेज रहे हैं, जिसमें कि रिपोर्टिंग में तकरीबन 2-1 दिन का वक्त लग जाता था और जो हमने कार्रवाई करनी होती थी वो उसमें भी डिले हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने 14 स्थान पर एक कोविड-19 मशीन जिसका नाम ट्रू नेट है वो प्रदान की है, जिसमें कि एक मशीन हमारे पास यहाँ MD MSC खिलेरी में भी आई है, जिसका 2-4 दिनों में ही इसका काम करना शुरू कर देंगे। अभी इंजीनियर आएगा और इंस्टॉल करके जब वो कर देगा तो उसके बाद हम जल्दी से जल्दी टेस्टिंग शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि जो यहाँ के लोग हैं जैसे कुमारसैन, ननकरी और रामपुर का एरिया तो है ही है, रामपुर ब्लॉक का, और जो नियर यहाँ आसपास का ब्लॉक है, अन्नी ब्लॉक है, नेमन ब्लॉक है, वहाँ के सैंपल भी हम यहीं पर टेस्ट करेंगे और उसका रिज़ल्ट जल्द मिल पाएगा। और जब हमें रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा तो उसके उपरांत जो भी हमने एक्शन लेना होता है फर्दर, वो जो है उचित समय पर ले लिया जाएगा। इससे जो है पैंडेमिक को कंट्रोल करने में काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी।